बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम मॉड्यूल 180 डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 180 है अबाउट एफिनिटी मास्क प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि हम प्रोसेसर अफिनिटी डिफाइन कर सकते हैं फॉर सर्टेन प्रोसेस और फॉर सर्टेन थ्रेड ये हम कैसे करेंगे ये हम करेंगे विद हेल्प ऑफ एफिनिटी मास्क हर प्रोसेस के पास अपना एक एफिनिटी मास्क होता है आप आ, आ, और इसके अलावा एक सिस्टम एफिनिटी मास्क भी होता है एक प्रोसेस एफिनिटी मास्क है और एक सिस्टम एफिनिटी मास्क है ये बेसिकली क्या चीज़ है ये बिट वेक्टर्स हैं जितने प्रोसेसर्स हैं उतने बिट का ये वेक्टर होगा सिस्टम के अंदर जितने अगर से थर्टी टू हैं तो ये थर्टी बिट का वैक्टर होगा सिक्सटी फोर हैं तो ये सिक्सटी बिट का वैक्टर होगा तो ये मास्क जो है ये हर इसके अंदर हर बिट जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये एक प्रोसेसर को इंडिकेट कर रहा है और अगर किसी सिस्टम का जो मास्क है उसके अंदर अगर सिक्सटीन बिट्स हैं तो उसका मतलब है कि उसके अंदर सिक्सटीन प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं फिर आ, जो भी एक थ्रेड है उस थ्रेड के साथ जो एसोसिएटेड या एक प्रोसेस है उसके साथ जो एसोसिएटेड एक मास्क है उसे हमें ये देख के ये पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोसेस प्रोसेसर्स उस थ्रेड के लिए या उस प्रोसेस के लिए असाइंड हैं यानी कि आपके पास फर्स्टली सिक्सटीन अगर प्रोसेसर्स हैं और आपके पास एक मास्क होगा फॉर द प्रोसेस जो कि प्रोसेस एफिनिटी मास्क है तो उसके अंदर बी सिक्सटीन बिट्स होंगे लेकिन जो प्रोसेसर उस आ, प्रोसेस को असाइंड होंगे उनके बिट्स वन होंगे बाकी के बिट्स ज़ीरो होंगे तो उस एफिनिटी मास्क को देख के सिंपली हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोसेसर जो है किन किन प्रोसेसर्स के ऊपर रन कर सकता है और सिमिलर चीज़ जो है वो थ्रेड के लिए होगी थ्रेड के लिए भी इसी तरह का मास्क होगा जिससे पता चल जाएगा कि ये थ्रेड किन किन प्रोसेसर्स के ऊपर रन कर सकती है और अगर एक प्रोसेस के लिए एक अफिनिटी मास्क का आपने डिफाइन किया तो वो अफिनिटी मास्क उस प्रोसेस के अंदर जितनी भी थ्रेड्स होंगे उन तमाम थ्रेड्स के ऊपर अप्लाई होगा और अफिनिटी मास्क को हम आ, जब प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं एज अ पॉइंटर फिर सर्टन सेट ऑफ एपीआईज़ हैं जिसकी मदद से हम इस मास्क को गेट भी कर सकते हैं और इस मास्क को चाहें तो सेट भी कर सकते हैं जब भी इसको हम सेट कर रहे हैं तो आप बेसिकली प्रोसेस एफिनिटी डिफाइन कर रहे हैं जो भी उसके अंदर प्रोसेस के लिए किसी के लिए डिफाइन कर रहे हैं या थ्रेड के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं तो आप एक प्रोसेस एफिनिटी डिफाइन कर रहे हैं जिससे कि ये होगा कि वो उस प्रोसेस की एसोसिएशन हो जाएगी विद ऑल दोज प्रोसेसर्स जो कि उस एफिनिटी मास के अंदर डिफाइन है तो वही प्रोसेसर्स प्रेफरेबली uh, उस प्रोसेस को असाइन किए जाएंगे और कोई और प्रोसेसर असाइन नहीं किया जाएगा तो सिस्टम अफिनेटी मास जो है वो आपको ओवरऑल जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन देगा प्रोसेस अफिनिटी मास जो है वो आपको एक प्रोसेस की अफिनिटी के बारे में बताएगा जो कि सबसेट होगा ऑफ द सिस्टम अफिनिटी मास्क और थ्रेड एफिनिटी मास्क जो है वो आपको थ्रेड की एफिनिटी के बारे में बताएगा अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसर्स और जो कि एक सबसेट होगा ऑफ द प्रोसेस एफिनिटी मास्क और इनको हम एफिनिटी मास्क को हम गेट भी कर सकते हैं सेट भी कर सकते हैं जिसके लिए एक सेट ऑफ ए यूज़ होती हैं वो क्या सेट ऑफ़ ए यूज़ होती हैं इनको गेट सेट करने के लिए उन ए की हम डिटेल देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ए अवेलेबल है गेट प्रोसेस एफिनिटी मास्क गेट प्रोसेस अफिनिटी मास्क जो है ये आपको एक Boolean रिटर्न कर रहा है और आप इसको एक प्रोसेस का हैंडल पास कर रहे हैं जिस किसी प्रोसेस का आप इसको हैंडल पास करेंगे ये उसका अफिनिटी मास्क आपको रिटर्न कर देगा आपको प्रोसेस अफिनिटी मास्क रिटर्न करेगा और आपको सिस्टम अफिनिटी मास्क रिटर्न करेगा बाय डिफॉल्ट जो प्रोसेस अफिनिटी मास्क है उसकी वही वैल्यू होगी जो कि सिस्टम अफिनिटी मास्क की वैल्यू है अगर आप इसको खुद से सेट नहीं करते खुद से सेट करेंगे तो प्रोसेस अफिनिटी मास्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर आपके पास जो सिस्टम है जिसके आप सिस्टम एफिनिटी मास्क लेते हैं तो सिस्टम एफिनिटी मास्क उस अगर वो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है तो उसके सिस्टम अफिनिटी मास्क की वैल्यू आपके पास आएगी वन जो कि इंडिकेट करता है कि उसके अंदर एक ही प्रोसेसर है और फिर आगे जितने भी बिट्स हैं इसके अंदर वो तमाम बिट्स हर प्रोसेसर को रिप्रेजेंट करते हैं जो जो उनसे बिट्स वन है उसका मतलब है वो वो उसके अंदर प्रोसेसर्स हैं सिस्टम अफिनिटी मास्क आपको बताएगा कि ओवरऑल पूरे सिस्टम के अंदर कितने प्रोसेसर्स हैं और प्रोसेस अफिनिटी मास्क बताएगा कि ये स्पेसिफिक प्रोसेस जिसका आपने हैंडल स्पेसिफाई किया हुआ है इस प्रोसेस की क्या एफिनिटी है इसके कौन कौन से प्रोसेसर इसके साथ एसोसिएटेड हैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कोई एफिनिटी डिफाइन नहीं की हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम एफिनिटी मास्क की वैल्यू होगी वही प्रोसेस एफिनिटी मास्क की वैल्यू होगी अब दूसरे ए की हम बात करते हैं इस ए की मदद से हम एफिनिटी मास्क को जो है वो सेट कर सकते हैं यहाँ पे देखें सिस्टम एफिनिटी मास्क हमें नहीं चाहिए हमारे पास प्रोसेस एफिनिटी मास्क है तो हम उसको चेंज करना चाहेंगे तो सेट की मदद से आप एक प्रोसेस का हैंडल स्पेसिफाई करते हैं और प्रोसेस एफिनिटी मास्क स्पेसिफाई करते हैं जो भी प्रोसेस एफिनिटी मास्क की वैल्यू आपने स्पेसिफाई की है वो सेट हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली इस स्पेसिफिक प्रोसेस जिसका हैंडल एज प्रोसेस है इसकी एफिनिटी सेट हो जाएगी विद ऑल दोज प्रोसेस जो कि इस प्रोसेस एफिनिटी मास्क के अंदर डिफाइंड है और ये जो नया मास्क आपने स्पेसिफाई किया है ये सबसेट होना चाहिए ऑफ द सिस्टम एफिनिटी मास्क जो पहले आपने गेट किया था पहले आप सिस्टम एफिनिटी मास्क गेट करेंगे उसका कोई सबसेट डिफाइन करेंगे और यहाँ पे उस सबसेट को स्पेसिफाई करेंगे ताकि उसकी एफिनिटी डिफाइन हो विद स्पेसिफिक प्रोसेस जो कि आपने उसने स्पेसिफाई किए हैं और इससे प्रोसेस तो अफेक्ट होगा इसके अलावा उस प्रोसेस के अंदर जितनी थ्रेड्स हैं वो भी अफेक्ट होंगी उसके अंदर जितनी भी थ्रेड्स हैं उन तमाम की एफिनिटी वही होगी है जो कि इस प्रोसेस की एफिनिटी है फिर इसी तरह से एक और फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है ये थ्रेड लेवल के ऊपर एफिनिटी डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो प्रोसेस अफिनिटी है उसका यह सबसेट होगा यह थ्रेड जिस प्रोसेस के अंदर पड़ी हुई है उसकी जो प्रोसेस अफिनिटी है यह उसका एक सबसेट होगा इसको यूज करते हुए आप एक स्पेसिफिक थ्रेड की अफिनिटी डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर आप एक थ्रेड का हैंडल स्पेसिफाई करेंगे और थ्रेड अफिनिटी मास्क स्पेसिफाई करेंगे ये थ्रेड अफिनिटी मास प्रोसेस अफिनिटी मास्क का सबसेट होगा और इसके अंदर जो जो आपने प्रोसेसर्स डिफाइन किए हैं वो प्रोसेसर्स जो हैं इस थ्रेड के साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो ये थ्रेड जो है सिर्फ उन्हीं प्रोसेसर्स के ऊपर रन होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो थ्रेड इफिनिटी मास्क है ये बुलियन वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा ये एक डी वर्ड पॉइंटर रिटर्न कर रहा जबकि जो प्रीवियस हमारी जो ए थी वो एक बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रही थी ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो जो प्रीवियस थ्रेड एफिनिटी मास्क है उसकी वैल्यू होगी जब आपने एक नया थ्रेड एफिनिटी मास्क डिफाइन किया तो उससे पहले भी तो कुछ उस एफिनिटी मास्क की वैल्यू होगी वो जो प्रीवियस एफिनिटी मास्क की वैल्यू है वो इस डी वर्ड पॉइंटर के अंदर आ जाएगी जिसको कि आप गेट करके देख सकते हैं कि इस स्पेसिफिक थ्रेड की प्रीवियस uh, एफिनिटी क्या थी